सच्चा सच्चा खाओगे भाई बताते हो, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चलान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। बताएगा जब सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हीरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। जितना चलान काटना है काट लो, आने दो हमारी सरकार, या फिर संभल में तुम रहोगे या फिर हम। ट्रैफिक पुलिस को धमकाते हुए इस शख्स का नाम है मोहम्मद अशरफ। बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए ये जनाब खुद बाइक चला रहे थे, और जब ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका तो इनका हाव भाव ही कुछ अलग रहा, और ट्रैफिक पुलिस को ये जनाब धमकाने लगे। जितना बढ़ा के चलान काटना इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। बताएगा जब सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हीरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। हालांकि धमकी भरा ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो को चुनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा। आपको बता दें ये वीडियो यूपी के संभल का है। यूपी के संभल पुलिस के आला अधिकारियों तक जब ये वीडियो पहुंचा तो धमकी देने वाला शख्स कहां पहुंच गया आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं। लॉकअप में बंद अशरफ की तस्वीर भी अब सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, और अब धमकाने वाला ये शख्स जिसका नाम अशरफ है, इसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक निवासी तस्पुर मियाँ सराय का रहने वाला हूँ, और ये तीन दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है, मेरा पूर्व में पहले भी चलान हो गया था और फिर मेरा चलान हो रहा था, तो मैं तेज में आ गया था और मैंने जो है जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयतुल महिन का एक पदाधिकारी हूँ, और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज सुबह थाना कोतवाली संभल में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये मियाँ सराय का रहने वाला है, इसको निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा ट्रैफिक चालान होने पर उपस्थित पुलिस वालों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था, इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।